दोस्तों, एसईओ की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग। मैं बता दूं, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि यहां से आपको एक क्वालिटी डू फॉलो बैक लिंक मिलती है अगर आप सही से गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करते हो। तो अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा बैक लिंक्स बने, वो भी डू फॉलो बैक लिंक्स बने, तो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बैक लिंक्स बनाने का और डू फॉलो बैक लिंक्स बनाने का। इस कंप्लीट वीडियो में हम डू फॉलो बैकलिंक और गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग का कंप्लीट मेथड सीखने वाले हैं। इवन मैं गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग कंप्लीट समझाने भी वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट गूगल पे जल्दी से जल्दी रैंक करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग को। इसके पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल सेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम पूरी सीरीज ला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। एसईओ की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, फिर सोशल मीडिया की मिलेंगी, फिर एनालिटिक्स की मिलेंगी, फिर आपको इसकी गूगल एड्स की मिलेंगी, फेसबुक एड्स की मिलेंगी। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आगे सीरीज आने वाली है, इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग समझा देता हूँ, फिर कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम कंप्यूटर पे लाइव करने वाले हैं, लाइव बैकलिंक बनाने वाले हैं, सब कुछ हम लाइव करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहे। तो सबसे पहले मैं एक बार व्हाइट बोर्ड की मदद से आपको गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग समझा देता हूँ, जिससे आपको गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग में कोई भी डाउट ना हो। तो गाइस हम अपने व्हाइट बोर्ड पे आ गए। व्हाइट बोर्ड की मदद से सबसे पहले आप गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग कंप्लीट समझ लें। तो देखो, यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लेना। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग को बहुत सारे लोग गेस्ट ब्लॉगिंग भी बोलते हैं और गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, लिखा भी हुआ है, एक्ट ऑफ राइटिंग कंटेंट फॉर अनदर वेबसाइट, अनदर कंपनीज वेबसाइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनदर, जैसे मेरा कोई, मैंने एक बैकलिंक बनानी है, तो मैं एक यहाँ पे गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग में ब्लॉग क्रिएट करूंगा, एक आर्टिकल क्रिएट करूंगा। अच्छा आर्टिकल होगा, जिसकी लेंथ अच्छी होगी, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, और उसमें बीच बीच में अपनी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, और उस आर्टिकल को थर्ड पार्टी पे या फिर किसी अनदर पर्सन की वेबसाइट पे पोस्ट करूंगा। अब वो वेबसाइट फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे हम गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग की वेबसाइट फाइंड करें, जहां पे अपना आर्टिकल हम पोस्ट कर पाए। यूनिक आर्टिकल आपको पोस्ट करना है, और उस आर्टिकल में बीच बीच में आपको अपनी जो आपकी वेबसाइट की लिंक है वो लगा देनी है। इससे आपको यहाँ से एक डू फॉलो बैक लिंक मिलेगी। बेनिफिट क्या है, देखो आप अनदर पर्सन की वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करोगे, क्योंकि आर्टिकल में आपकी लिंक है, आपकी वेबसाइट की लिंक है। तो यहाँ से उस पर्सन की वेबसाइट से जहां पे आप गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करोगे, उस पर्सन की वेबसाइट से आपके पास ट्राफिक आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैफिक आपको वहां से भी उस ब्लॉग पे जो उनकी वेबसाइट पहले से रैंक कर रही होगी, क्योंकि उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, पेज अथॉरिटी अच्छी होगी, तो उनकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी। और अगर आपने आर्टिकल डाला तो हाई डोमेन अथॉरिटी के आर्टिकल्स जल्दी रैंक कर जाते हैं, तो आपका आर्टिकल भी रैंक कर जाएगा उस वेबसाइट पे, तो फिर आपका वहां से ट्राफिक डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आने लगेगा। तो यहाँ से आपका ट्राफिक इंक्रीज होता है, एक तो सबसे पहला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर्पज से हम सीख रहे हैं, डोमेन अथॉरिटी बूस्ट होती है, और डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी तो जैसे से देखो, यहाँ पे हम जब गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, एक बैकलिंक मिलेगी, हमें बैकलिंक मिलेगी तो डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, तो वही लिखा हुआ है, डोमेन अथॉरिटी यहाँ से इंक्रीज हो जाती है। डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी तो फायदा हमें ही होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड अवेयरनेस, यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारी नीश की हमारी नीश की वेबसाइट है और हमने अपना ब्लॉग डाला है, तो हमारा ब्लॉग अगर रैंक किया उस वेबसाइट पे तो वहां से ट्राफिक हमारी वेबसाइट पे आएगा, तो ब्रांड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी भी यहाँ से इंक्रीज होती है। बिल्ड रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होता है अपने सेम इंडस्ट्रीज में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूंगा डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने के लिए गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग आपको करनी ही चाहिए, और डेली बेसिस पे गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करनी चाहिए। जितने अच्छे आप गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करोगे, उतना ज्यादा हेल्प होगी आपकी वेबसाइट को रैंक होने में, बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलिए प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग कैसे करना है, प्रैक्टिकल कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हम इसका देख लेते हैं। सो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहां पर आने के लिए देखो, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग के लिए एक सिंटेक्स है, जिस सिंटेक्स को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने नोटपैड पे इसलिए नोट करके रखा हुआ है, मैं नोटपैड ओपन कर देता हूँ। ये एक सिंटेक्स है, मैं थोड़ा सा इसको इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये एक सिंटेक्स है, ठीक है। इस सिंटेक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड, आपको इस टाइप से गूगल पे सर्च करना होता है, कीवर्ड
आपका जो कीवर्ड है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे काम कर रहे हो, आप एसईओ पे काम कर रहे हो, आपका कोई कुकिंग की वेबसाइट है, कुकिंग कीवर्ड हो सकता है, जो भी आपका कीवर्ड है आपको कीवर्ड टाइप करना है। प्लस ये मैं बैकलिंक बनाने की बता रहा हूँ कि कैसे आप जो गेस्ट ब्लॉग की वेबसाइट फाइंड करेंगे, जब गेस्ट ब्लॉग की वेबसाइट फाइंड करेंगे तो वहां पे आपको ब्लॉग अपलोड करना है, जब आप ब्लॉग अपलोड करेंगे तो वहां से आपको एक बैकलिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे किस टाइप से आपको लाइक देना होता है, सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है कीवर्ड, कीवर्ड में जो भी आपका कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कुकिंग, जो भी आपका कीवर्ड है, प्लस इन टाइटल आपको ऐसे ही लिखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस टाइप के ये आप देख सकते हैं कॉलन में आपको राइट फॉर अस लिखना है। इसका मतलब है कि जो लोग हमें लिखने का मौका दे रहे हैं, हम गूगल पे उनको फाइंड कर रहे हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड, जो लोग हमें लिखने का मौका दे रहे हैं अपनी वेबसाइट, सिंपल, जो लोग हमें अपनी वेबसाइट पर लिखने का मौका दे रहे हैं, अनदर पर्सन हमें अपनी वेबसाइट पर लिखने का मौका दे रहा है राइट फॉर अस, इस कीवर्ड पर हम उनको फाइंड कर रहे हैं, फिर उनपे हम अपनी बैकलिंक्स बनाने वाले हैं, उनपे हम अपने आर्टिकल पोस्ट करने वाले हैं, हम उनपे ब्लॉग पोस्ट करने वाले हैं। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने, अब कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कीवर्ड की जगह हमारा कीवर्ड है मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये एग्जांपल ले लेता हूँ, आपकी किसी भी टाइप की वेबसाइट हो आप वो टाइप कर देना, आपको मिल जाएगा। हमारा कीवर्ड है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, हमने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। ये सारे रिजल्ट्स लाइक आपको यही बताएंगे, ये सारे रिजल्ट राइट फॉर अस, इन सारे रिजल्ट सब पे राइट फॉर अस लिखा होगा, राइट फॉर अस, इन सारे रिजल्ट पे जाके आप गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हो। काफी सारी वेबसाइट्स की लिस्ट है, 100 तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इतनी वेबसाइट ये है, फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज, काफी सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर आप गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हो। इवन एक वेबसाइट पे आप मल्टीपल बार भी गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हो। अब कैसे करना है, मैं चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो हमने ये वाली वेबसाइट ओपन कर ली, हम इसको ओपन कर, तो यहाँ पे हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया और यहाँ पे देख रहे हो ये राइट फॉर अस का पेज ओपन हो गया, ये राइट फॉर अस, तो यहाँ पे लिखा भी है राइट फॉर अस डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखना चाहते हो तो आप इनकी वेबसाइट पे आके लिख सकते हो, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है ये, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है। देखो थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, यहाँ पे अब आप देखोगे कुछ गाइडलाइंस होती हैं हर एक वेबसाइट की, हर एक गेस्ट ब्लॉग जो पोस्टिंग की वेबसाइट होती है उनकी गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके हमें लाइक आर्टिकल लिखना होता है, ब्लॉग लिखना होता है। जब हम आर्टिकल लिखते हैं लाइक गाइडलाइंस को फॉलो करके, तो जो इनका एडमिन होता है वो उसको अप्रूव करेगा और उनकी वेबसाइट पर आपकी जो लाइक जो आर्टिकल है वो शो होने लगेगा। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है why you should submit your content on digital speaker, क्यों आपको इनकी वेबसाइट पे कंटेंट लाइक अपलोड करना चाहिए। तो उन्होंने बताया हुआ है कि हमारी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, एज पर सेमरस हमारा HRF के अकॉर्डिंग इतना है, मोज के अकॉर्डिंग इतना है, हमारी वेबसाइट इजीली रैंक करती है इतने, लाइक हमारे पास ऑर्गेनिक विजिटर है। इन्होंने बताया हुआ है क्यों हमें यहाँ पे लाइक पोस्टिंग बताया हुआ, अब देखो, बट इन्होंने ये बताया कि इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, जब भी आप आर्टिकल इनकी वेबसाइट पे अपलोड करो आपको बैकलिंक तो मिलेगी, बट इनकी कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको आर्टिकल अपलोड करना। ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ योर आर्टिकल 25, यहाँ पे आप देख सकते हो 2500 प्लस वर्ड्स, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्टिकल होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। ऐसे ही सभी वेबसाइट्स पे आपको लाइक कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके लिखना है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है पूरा, यहाँ पे आप इसको रीड कर लें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट योर पोस्ट ओनली इन गूगल डॉक, गूगल डॉक्स, यहाँ पे गूगल डॉक्स सर्च कर लेना, गूगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, गूगल डॉक्स के फॉर्म में आपको आर्टिकल इनको सबमिट करना है। फिर यहाँ पे और भी देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी राइट ओनली ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश, और कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, बोल्ड भी किया हुआ, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, कोई एफिलिएट लिंक नहीं होनी चाहिए, वरना पता चले आप एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ से करें। अभी एफिलिएट लिंक नहीं डालना क्योंकि वो फिर वो आपकी डिसअप्रूव कर देंगे, कोई एफिलिएट लिंक नहीं होनी चाहिए, कोई कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई प्लगरिज्म इशू नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल है यूनिक कंटेंट आपको डालना है। मैं आपको एक वर्ड में बता देता हूँ, यूनिक कंटेंट आपको डालना है। बस एक चीज याद रखना, सब वेबसाइट की एक अपनी लेंथ होती है, तो इनकी लेंथ है 2500 प्लस वर्ड, तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग यूनिक कंटेंट डालना है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है। इमेजेस लाइक आप इतनी इमेजेस यूज कर सकते हो, फॉर्मेट उसमें लिखा हुआ है, इमेजेस का साइज उसमें लिखा हुआ है, आप इस साइज इसकी इमेजेस यूज कर सकते हो। और यहाँ पे और भी चीजें इन्होंने लिखी हुई है, आप इनको प्रॉपर पढ़ सकते हो, ये आप इनको लाइक रीड कर लें। यहाँ पे सब हेडिंग लिस्ट, इमेजेस, स्मॉल पैराग्राफ,
टू बैकअप, ये सब भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप इनको रीड कर लें। अब रीड कर लिया हमने इनकी गाइडलाइंस को, प्रॉपर स्टडी कर लिया, ठीक है, गाइडलाइंस को लाइक स्टडी करने के बाद इन्होंने टॉपिक्स बताए। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, आपकी वेबसाइट इन टॉपिक के ऊपर है और आप इन टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं और इनको गूगल डॉक के फॉर्म में देते हैं, डॉक्स के फॉर्म में देते हैं, तो ये आपकी जो ब्लॉग है उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर भी आएगा और आपको एक बैकलिंक भी मिलेगी। तो ये टॉपिक है, हमने वैसे जो ये सिंटेक्स लिखा था इसमें डिजिटल मार्केटिंग दिया था, इसलिए ये तो हमें डिजिटल मार्केटिंग का ये गेस्ट ब्लॉग पोस्ट मिला। आप जो भी सिंटेक्स में, जो भी आपकी जिस टाइप की भी आपकी वेबसाइट उस टाइप का कीवर्ड दोगे तो उस टाइप का ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगा। अब इन्होंने ये बताया हुआ है हाउ टू सबमिट योर कंटेंट, यहां पे लिखा हुआ है, ये पूरा आप यहाँ पे लाइक स्टडी कर लें, लिस्ट ऑफ कीवर्ड, विद्या सर्च वॉल्यूम, योर बायो, आपको अपनी बायो भी लिखना है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, व्हाट यू डू, है ना, और यहाँ पे थ्री लाइक सैंपल्स आपको इस टाइप से रिटर्न, एटलीस्ट थ्री रिटर्न सैंपल्स और प्रीवियस पब्लिश गेस्ट ब्लॉगर का आपको कुछ रिटर्न सैंपल लिख के दे देना और ये कुछ इनकी गाइडलाइंस है वो आप पढ़ देना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल इन्होंने ये ईमेल आईडी ये देते हैं, ये जैसे आप देख सकते हो कि ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है और लाइक एक और इन्होंने आईडी दी हुई है, इन पे आपको गूगल डॉक के फॉर्म में सबमिट कर देना है और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट कि आप इस पे मेल कर रहे हैं और इस पे मेल करने के बाद आप यहाँ पे वेट करें तो आपका आर्टिकल यहाँ इस वेबसाइट पे शूट होगा। कि हम किसी और की गेस्ट ब्लॉग पोस्ट पे भी जाके एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते कुछ और गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग, जैसे सारे ये सारे गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग साइड है, किसी पे भी क्लिक कर लो, सारे गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग साइड है क्योंकि टाइटल में साफ लिखा हुआ है। अब हम इस पे चलते हैं, ठीक है। सो गाइस हम ये दूसरी वेबसाइट पे आ गए, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब हर वेबसाइट की कुछ गाइडलाइंस होती है, सबकी अपनी अपनी गाइडलाइंस होती है, मोस्टली गाइडलाइंस वही होती है कि आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल की एक लेंथ होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से H1 H2 H3 का यूज होना चाहिए और फिर आप इनको सबमिट कर दें, वो आपके ब्लॉग्स को यहाँ पे लाइक पोस्ट कर देंगे। तो अब हम इनकी गाइडलाइंस स्टडी कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह दिया हुआ है, आप इनको स्टडी कर ले प्रॉपर, क्योंकि गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग में आपको सामने वाले की वेबसाइट को पूरा देख लेना होता है। कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, ये देख सकते हो, अंडरस्टैंड अवर गाइडलाइंस। तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक्स बताए हुए, इन टॉपिक्स पे आपको काम करना है, ये टॉपिक्स इन्होंने बताए हुए हैं, और भी कुछ टॉपिक्स हैं ये देख सकते हो। अब ये गेस्ट ब्लॉग, वी आर लुकिंग फॉर गेस्ट ब्लॉगर हु कैन प्रोवाइड विथ अस विथ, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है और ये इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि इनका लाइक आपका आर्टिकल इतने वर्ड से लॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पे कोई और इनको डेटा पसंद नहीं आया लिखा हुआ है, सपोर्टिंग डेटा, सपोर्टिंग फैक्ट और एक्सपेरिमेंट, सो नंबर वी लव डेटा, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है और इन्होंने कुछ ये भी दिया हुआ है, इफ यू डोंट हियर फ्रॉम अस मोर लाइकली, ये इन्होंने कुछ और गाइडलाइंस दी, इनको आप प्रॉपर पढ़ लें, स्टडी कर लें, रीड कर लें, जैसा भी आपको लगता है प्रॉपर एक बार देख लें। और ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, इनका फॉर्मेट लिखा हुआ है कि H1 H2 H3 में लाइक टाइटल टेक्स्ट ऐसे होने चाहिए और कुछ इन्होंने फॉर्मेट लिखा हुआ है लाइक इमेजेस इतनी होनी चाहिए, पिक्सल्स इन्होंने लिखे हुए हैं, पैराग्राफ सेंटेंस इन्होंने लिखे हुए हैं, तो ये सब आप स्टडी कर लें। स्टडी करने के बाद इन्होंने पूरा डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वी पब्लिश योर ब्लॉग और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप यहाँ पे इनका ये फॉर्म फिल कर दें और अपना डेटा यहाँ से इनको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक फॉर्म बनाया हुआ है, देख सकते हो, तो इनको इसको आप फिल, तो सिंपल वर्ड्स में आपको अगर गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग बताऊं तो आपको सामने वाले की वेबसाइट पे जाके उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके डेटा पब्लिश करना है, बस यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखने हैं, मेहनत करोगे, आर्टिकल अच्छे यूनिक लिखोगे तो फिर सामने वाला आपकी आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा, वहां से ट्रैफिक आएगा, डू फॉलो बैकलिंक बनेगी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होने लगेगी। ये नेचुरल बैकलिंक्स होती हैं और नेचुरल बैकलिंक्स अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करना स्टार्ट कर। सो गाइस आई होप आपको गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे और भी वीडियो आने वाली है बैकलिंक्स के ऊपर, सो बने रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।